वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2023 रेम्बो मॉडल की बना रहे दोस्तों। तो आज हमारे यहाँ स्पेशली कस्टमर विजिट के लिए आए, फैक्ट्री में मशीन देखने के लिए, मशीन चेक करने के लिए, मशीन कैसे चलती है, कैसे ऑपरेट होती है, मशीन के क्या क्या फंक्शन है, मशीन के अंदर कैसे मटेरियल बनाया जाता है, डाला जाता है और कितनी देर में आइसक्रीम तैयार होता है, इसका प्रोसेस इजी या हार्ड है, ये टोटली डिटेल जानने के लिए राजस्थान से कस्टमर है, कस्टमर गुजरात से आए। तो हम उनको पूरा लाइव डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं कि कैसे मशीन ऑपरेट होती है, आइसक्रीम में से जो मशीन में से जो क्वालिटी निकलता है उसका टेस्ट कैसा और परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो हम थोड़ा हमारे कस्टमर से बात करेंगे। हेलो सर, क्या नाम है सर? शाम को सर। सर रामकिशोर। रामकिशोर जी कहाँ से है सर आप? राजस्थान श्री गंगानगर से। राजस्थान श्री गंगानगर से। अच्छा, और सर आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला? ये यूट्यूब यूट्यूब में देखा होगा आपने। और आपने कोई मशीन लगाई है हमारी ऑलरेडी? जी हाँ जी। अच्छा, एक सोडा सोप वाली लगी है, एक स्लश मशीन, एक सोडा सो और एक स्लश मशीन, दो मशीन ऑलरेडी लेके कंपनी में से ली हुई आपने। तो आज कौन सी मशीन लेने के लिए सर? प्लेटिनियम लेने है, सॉफ्टी प्लेटिनियम है वो लेने के लिए है। तो दोनों मशीन कैसी चल रही है हमारी? बहुत बढ़िया जी। अच्छी है। और रिस्पॉन्स कैसा है कस्टमर का सर? कितने टाइम से चला रहे आप? ये 2 साल हो गए सर। 2 साल से चला रहे सोडा मशीन और स्लश मशीन, 2 साल से चला रहे आप? हंजी, हंजी। अच्छा, हमारे कस्टमर है पुराने, पहले इन्होंने सोडा मशीन और स्लश मशीन भी ली हुई है, उनका रिस्पांस देख के मशीन ऐड करवाने आए, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन भी वो मशीन में ऐड करवाने हैं। तो हम इनको पूरा लाइव डेमो दे रहे हैं। हमारे यहाँ दूसरे कस्टमर आए, क्या नाम है सर? सर मैं निखिल सूरत से बोल रहा हूँ। निखिल भाई सूरत से। अच्छा, और आप कौन सी मशीन के लिए आए सर? मैं ये सॉफ्टी के लिए आया हूँ। मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, बहुत परफॉर्मेंस अच्छा लगा और फिर उसको देखने के लिए स्पेशली मैं रोरो फेरी से यहाँ आया हूँ आज सुबह, इसलिए आज आप भावनगर स्पेशल हमारे लिए आए। यस यस, आपके लिए पहला है और आज इसको मैं फाइनली ड्रिल करके ही जाऊंगा। अच्छा, बरोबर है। और सर आपको हम जो हमारे YouTube में वीडियो में बताते हैं कि हमारा काम ऐसा है, हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो फैक्ट्री पे आके सब ओरिजिनल लगा आपको? यस, सेम टू सेम इंस्पायर होके मैं आया हूँ। अच्छा। कि अगर कोई नहीं आता है तो आपको जो वीडियो मिल रही है वो भी परफॉर्मेंस वही है वही जो आप अभी दे रहे हैं डेमोस्ट्रेशन। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम आपसे भी जो मिले हैं सर वहीं पे यूट्यूब पे भी वही लग रहा है कि आप हमारे सामने ही बात कर रहे हैं। बरोबर। और इसमें सर कई बार क्या होता है कि कस्टमर आते हैं तो उनको पहले बताया जाता था कि वीडियो में आपको ऐसा बोलना है, ऐसा समझाएं, तो हमने कुछ समझाया आपको बोलने के लिए? ऐसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ जो आप ओरिजिनली बोल रहे हैं एकदम नेचुरली जो है। अच्छा, हमारे सर जो खुद आए रूबरू उनके हिसाब से वो देख के बोल रहे हैं, हमारा काम हमने उनको दिखाया कैसे ऑपरेट होती है, कैसे बनती है मशीन, कैसे डिलीवरी सब होती है, तो उनके हिसाब से सर वो सब रिव्यू दे रहे हैं। तो चलिए टाइम को गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मशीन है और इनका मटेरियल यहाँ पे हमने रखा हुआ है। सबसे आ जाइए सर, आपको भी डेमो देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2-2 लीटर अभी हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास किलो के पाउडर है, आइसक्रीम पाउडर बोलते हैं इसको। इसको 1 किलो के अंदर आपको 4 लीटर मिल्क ऐड करना है, 4 लीटर मिल्क 1 किलो पाउडर ऐड करना है। फिलहाल अभी हम आधा आधा यूज कर रहे हैं, आपको टेस्टिंग देना है, इसलिए 2 लीटर मिल्क और 500 ग्राम पाउडर मिक्स करेंगे इसमें, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे अभी एक वेट कंट्रोलर भी लिया है, आप इसको यहाँ पे देखिए, अभी 0.0 है। yes. अभी हम इसमें 500 ग्राम्स का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, ठीक है? फिलहाल हम एक में वेनिला और एक में चॉकलेट टेस्ट करवा रहे हैं आप, ठीक है? इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है? नहीं, और कोई चीज नहीं, ओनली पाउडर एंड मिल्क। इसमें शुगर आ गया, फ्लेवर्स आ गया, टेस्ट आ गया, सब इंक्लूड है इसके अंदर। जनरली इसके मिल्क कौन सा डाल सकते हैं? अमूल कंपनी का डालिए, कूल क्रीम मिल्क रहता है वो यूज करना है, तो बेटर टेस्ट बनता है उसके अंदर, परफॉर्मेंस अच्छा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा उसमें। और एक हमने चॉकलेट का फ्लेवर लिया है, ये हो गया 500 ग्राम ना। अभी इस टाइप का ब्लेंडर हम मशीन के साथ में बॉस कंपनी का कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं हर एक कस्टमर को, तो इस टाइप के ब्लेंडर से अपना रेगो इसको फ्लेवर को मेल्ट कर देना अच्छे से। नहीं, ये बेस्ट क्वालिटी का जो पाउडर है ना, वो भी हमने अभी तक 20 अलग अलग कंपनी का टेस्ट किया है, उसमें सबसे अच्छा जो क्वालिटी लगा है तो ये कंपनी का लगा है, इसलिए हम वो कस्टमर को सजेस्ट भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में 10 किलो फ्री भी देते हैं मशीन के साथ में। अगर चाहिए तो वो लोकल आपको डीलर आसपास में अगर कोई मिलता है सूरत में, मैं तो नंबर देंगे, अगर वो डीलर वो पाउडर कंपनी का रखते हैं तो मिल जाएगा, बाकी हमारी कंपनी आपको अवेलेबल करा के देगी, और वहाँ पे नहीं मिलता तो आप हमारे से भी मंगा सकते हो उसका। ये अपना वेनिला रेडी हो चुका है। ओके, वेनिला तो कॉमन ही है, रखना ही रखना है उसको, क्योंकि उसको क्या रहता है, आप आउटर से उसको अलग अलग रेसिपी दे सकते हो,
कि कोई अगर आपने वेनिला चॉकलेट रखा है, तीसरा बंदा आके बोलता रहा है मैंगो यूज चाहिए, मेरे को मैंगो चाहिए, तो मैंगो कैसे देंगे? तो वेनिला के ऊपर मैंगो का टॉप कर सकते हैं। पाइन एपल चाहिए तो पाइन एपल का टॉप, चॉकलेट के ऊपर नहीं होता है टॉप, चॉकलेट के ऊपर चॉकलेट का ही कर सकते खाली। ये अपना फ्लेवर रेसिपी फिनिश हो गया। अभी सीधा इसको अपने रेगो मशीन के अंदर सप्लाई कर देना है। एक में हम चॉकलेट लगा देंगे। थोड़ा यहाँ से वो उसका बटन लेके हम थोड़ा लाइन में ले लेंगे इसको। लाइन में आ चुका है पूरा। ये मशीन का कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। अभी मशीन की टोटली इंट्रोडक्शन डिस्प्ले शो करेगी। ये मशीन की सिलेंडर में कितना टेम्परेचर है, 26 का 25 धीरे धीरे डाउन हो रहा है टेम्परेचर। मशीन के अंदर टैंक में कितना माल भरा हुआ है ये भी बाहर से दिखेगा। बार बार टब नहीं खोलना है कितना भरा है, कितना भरा है वो, और उसका कितना डिग्री सेल्सियस है, 16 का डिग्री है। कितना आइसक्रीम बना है, अभी 2 पॉइंट ही बने हैं इसलिए ब्लिंकिंग हो रहा है। अगर रेडी हो जाएगा तो 5 पॉइंट रेडी होकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे 100% लिख के हो जाएगा कंप्लीट। आपका मशीन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा जब आपका आइसक्रीम तैयार हो जाएगा। एक बार इसको पुश करेंगे इसलिए बार का इंट्रोडक्ट कितना वोल्टेज आ रहा है ऊपर से, 237 का पावर आ रहा है। कितना मशीन में से आउटलेट निकल है, कौन अभी 0 निकल है, कोई एक कौन भी निकाला नहीं इसके। इसलिए टोटली इंट्रोडक्शन आपको डिस्प्ले शो करेगा इसके अंदर। ये बॉर्डर को अभी इतनी देर में फिल अप कर देंगे इसको। इसको भी फिल करना बहुत आसान है, आपको पीछे के टैंक में खाली इसको लगा देना है इससे। इसलिए लाइन में लेने के लिए बी जामे ये दबाना है और सी ये वॉश बटन चल रहा है इसलिए भी लाइन में आ जाएगा पूरा। मेरा ओनली इसको फर्स्ट टाइम जमने के लिए 10 से 12 मिनट का समय है। पहली बार जब दिन में आप मटेरियल डालते हो तो 10 से 12 मिनट का टाइम लेता है वो जमाने के लिए। फिर वेट करने का जरूरत नहीं है, फिर कंटिन्यू आप जितना निकालो कस्टमर आते निकाल सकते हैं कंटिन्यू। क्या गया लाइन में, अब इसको बंद कर देंगे। अब कोई सर इसमें भी लेना हो, लेने में ये वाला ए जाम मतलब उस साइड का, बी जाम मतलब ये साइड का, और सी मतलब वॉश। वॉश मतलब सब निकाल देना है लाइन में जो कंटिन्यू निकलेगा। ए बी का मतलब क्या है, बटन दबाने से पर्टिकुलर कस्टमर को आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि ये रेम्बो वाला ही निकलेगा इसमें से। वो बटन दबाएंगे तभी जाम लगेगा, अगर बटन नहीं दबाएंगे तो सादा निकलेगा। अगर आपने दोनों वेरायटी रखा है कि भाई सादे का 15 रुपया और रेम्बो वाले का 20 रुपया, तो कोई 20 देता है तभी उसको बटन दबाना है, कोई 15 देता है तो सादा ही देना है उसको। अभी 10 से 12 मिनट का समय होने वाला है, रेडी होने के बाद फिर से हम आपके सामने लौट के हमारे जो कस्टमर है उनको टेस्ट करा के कैसा क्वालिटी लगा, कैसा परफॉर्मेंस लगा, वो कस्टमर का लाइव फीडबैक लेंगे। थैंक यू। ये आइसक्रीम बनके तैयार हो चुका है, पूरी मशीन साइलेंट है। सर मशीन साइलेंट है पूरी? हाँ एकदम, जरा भी नॉइज नहीं है इसमें, जरा भी जीरो हो गया है अभी। जीरो जीरो। और कितना समय लगा सर जमने के लिए? 10-15 मिनट में हो गया। 10-15 मिनट हुआ है पहली बार जम गया। तो आइसक्रीम बन गया इसलिए अभी ये पावर खा रही है मशीन? नहीं एकदम साइलेंट है अभी, मुझे नहीं लग रहा कि ये चल भी रही है। अच्छा एकदम बंद लग रहा है, सिर्फ डिस्प्ले दिख रही है, डिस्प्ले ही दिख रही है। आप देख सकते हैं पूरी मशीन में ऑपरेटिंग हो चुका है, आइसक्रीम बन के तैयार है। अभी हमारे जो कस्टमर है उनको हम थोड़ा टेस्ट कराएंगे आइसक्रीम को, इसमें से कप निकालेंगे और यहाँ पे वेनिला चॉकलेट मिक्स में एक मिक्स का कप निकालेंगे। आप देख सकते हैं, लीजिए सर, लीजिए लीजिए, देता हूँ सर, करिए टेस्ट करिए। अब मिक्स में खाएंगे, एक कोन में निकाल के देते हैं भाई को, उसमें से ब्लूबेरी का टॉपिंग्स निकालेंगे इनमें। कैसा है सब लुक? वेरी सुपर, बहुत बढ़िया। अच्छा है, बहुत बढ़िया सर। ये टेस्ट मैंने दुबई में खाया था। अच्छा खाइए, टेस्ट कीजिए, आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए। वेनिला प्लस ब्लूबेरी का रेम्बो है, ये आप देख सकते हैं।
इसका बॉर्डर सर सही बना है इसके अंदर, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट पड़ा है सर, एकदम बढ़िया। लीजिए सर, कैसा है सर टेस्ट, कैसा है? सॉफ्टी में थिकनेस ज्यादा है और बहुत बढ़िया सर, बहुत हार्ड है, सॉफ्ट और क्रीमी है। हाँ जी, हाँ जी। और बर्फ आ रहा है इसमें? हाँ, क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल क्रिस्टल नहीं आ रहा है ना सर? अभी आपको कैसा लगा सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है, एकदम क्रीमी। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है, रेम्बो वाला भी अच्छा है। आप देख सकते हैं मशीन को ऑपरेट करके सर को पूरी डिटेल दी, पूरा समझो। और सर मशीन के फंक्शन कैसे लगे आपको? एकदम इजी है, कोई भी कर सकता है, नया आदमी कर सकता है। कोई क्या ट्रेनिंग का जरूरत है इसमें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना ट्रेनिंग का। आप देख सकते हैं सर को पूरी ऑपरेटिंग, पूरी चला के पूरी हमने मशीन दिखाई, और अभी जितने चार पांच कोण निकाले उसको वापिस जमा के बंद होगी मशीने। आपके सामने जो चार कोण निकाले उसको जमा के वापिस मशीन अभी कटक मोड़ पे, जितना कोण निकालेंगे इसलिए उतना पावर खाएगा आपको। अगर आपको बिजनेस नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मशीन पावर खाती रहेगी और हाई कंज्यूमिंग करती रहेगी, पूरी साइलेंट मोड पे रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव डेमोस्ट्रेशन सर को पूरा कंप्लीट दे चुके हैं। इस टाइप के अलग अलग ट्रिंकल्स भी आप अलग अलग डेकोरेशन भी डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो। तो ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी ले सकते हो। अगर आपको खुद आना है फैक्ट्री पे तो फैक्ट्री पे भी आके आप भी खुद भी लाइव डेमो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर विजिट सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।